क्लास ग्रेड सेवन सब्जेक्ट मैथ चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर में जो ओ की वैल्यू उसमें गिवन दी है हमें वो है 1, 3, 5, 7 एंड सो जी। नेक्स्ट हमारे पास जो ई की वैल्यू दी है उसमें वो है 2, 4, 6, 8 एंड सो। नेक्स्ट हमारे पास एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो। हमें वेरीफाई करके देना है, फर्स्ट पार्ट करेंगे हम फोर्थ का। ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन, अब ये चीज़ पकड़ के हम इधर लिख लेंगे ओ इंटरसेक्शन ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एन। सबसे पहले हमारे पास ओ है, ओ की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 1, 3, 5, 7 एंड सो। तो मैं हमें इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन डालेंगे, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट डालेंगे, बाद में ई ई के एलिमेंट हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8 एंड सो। तो मैं हमें फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन डालेंगे, एन एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 एंड सो। लास्ट ब्रैकेट सोल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये सेट वैसे के वैसे आ जाएगा 1, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट होते हैं कॉमन, यहाँ पे 2 है तो वहाँ भी 2 है, इसको यहाँ भी 4 होगा तो वहाँ भी 4 होगा एंड सो ऑन। का मतलब इसमें 6 क्योंकि ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, ये हमारे पास इवन नंबर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर इवन नंबर तो कॉमन आते हैं, 6 आएगा 8 आएगा एंड सो ऑन ये चलते जाएंगे। अब हमें कॉमन लेना है, ये हमारे पास इवन नंबर है जबकि ये हमारे पास ओड नंबर है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड थी हमारे पास वो थी ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन। राइट हैंड साइड देखिए ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन क्या एन, हम ये लिखेंगे ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन। सबसे पहले हमारे पास क्या है ब्रैकेट, हम ब्रैकेट डालेंगे, फिर क्या है हमारे पास ओ ओ के एलिमेंट हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 1, 3, 5, 7 है सो ऑन। द मैन में फिर क्या इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास ई ई के एलिमेंट हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज है तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर एन एन के एलिमेंट हमारे पास है 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 एंड सो। अब यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये दोनों सेट हमारे पास सॉल्व किए जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो वहाँ क्या है 2, यहाँ 3 है तो वहाँ क्या है 4, यहाँ 5 तो वहाँ क्या है 6। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ओड नंबर चल रहे हैं, ये हमारे पास इवन नंबर चल रहे हैं, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, आंसर हमारे पास क्या आएगा एम्प्टी सेट। ये इंटरसेक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा और ये वाला सेट वैसे का वैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखा जाए इनमें कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ एम्प्टी सेट है, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एम्प्टी सेट। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड भी एम्प्टी सेट थी, राइट साइड भी क्या आ गई एम्प्टी सेट, तो हम क्या लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगी राइट हैंड साइड, ये मतलब राइट साइड होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट है, ये आप लोग होमवर्क है आपका, अपने होमवर्क नोटबुक पे करेंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर जो फाइव है हमारे पास उस पर उसमें उसने यू की जो वैल्यू में दी है वो है ए बी सी और ये सी तक जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास उसने एस की जो वैल्यू दे दी है ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट ने जो टी की वैल्यू में दी है वो एक्स है वाई है जी है। हमने जो प्रूव करना है हमारे पास जो गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें फाइव पार्ट का, एस यूनियन एम्प्टी से फाइव कहते हैं एम्प्टी सेट के लिए यू के जाता है इक्वल टू एस।
हमने प्रूव करना है कि अगर एस का यूनियन एम टी सेट के साथ लिया जाए तो एस के इक्वल आता है। मैं पकड़ूँ लेफ्ट हैंड साइड एस यूनियन फाइव, यहाँ भी लिखेंगे एस यूनियन फाइव। एस की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यूनियन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास फाइव, फाइव हम वैसे एम टी सेट को कहा जाता है, ये लिखने से एम टी सेट या ये फाइव लिखने की बात एक ही है। अब यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना है। अब देखो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो ये सारे का सारा सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। अब देखा जाए ए ई आई ओ यू क्या था हमारे पास, ए ई आई ओ यू किसके इक्वल था एस के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम लिख लेंगे एस। तो प्रूव हो गया कि हमारे पास सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, क्योंकि उसने लेफ्ट पे दिया था एस यूनियन फाइव ले, तो किसके इक्वल आता है एस का, तो हमने एस यूनियन फाइव किसके इक्वल आ गया एस के, तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट था हमारे पास टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या आता है टी के, हम पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टी इंटरसेक्शन क्या आएगा यू, टी इंटरसेक्शन यू लिखेंगे। टी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी, इंटरसेक्शन वैसे के वैसे आ जाएगा यू। यू के एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड जी तक जाना हमने। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन दरमियान में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के कॉमन है एलिमेंट लिखने होते हैं। अब देखो ये ए टू जी सारी हमारे पास अल्फाबेट है, या एक्स वाई जी, एक्स वाई जी इसमें होगा ना, इसका मतलब हमारे पास जो इसका कॉमन आएगा वो एक्स वाई जी आएगा। अब देखा जाए एक्स वाई जी किस सेट के एलिमेंट थे हमारे पास, वो टी के एलिमेंट थे, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। अब देखो ये भी हमारा प्रूव हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगी, राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने प्रूव ये करना था कि अगर टी का इंटरसेक्शन यू के साथ लिया जाए तो किसके इक्वल आए, टी के, हमने इंटरसेक्शन लिया तो टी के इक्वल लिया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव का अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों पार्ट डिफरेंट थे इसलिए हम सारे करवा रहा हूँ। एस इंटरसेक्शन एस का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या रहा है, एम टी सेट में फाइव इक्वल आएगा, हम वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे एस इंटरसेक्शन क्या आएगा, एस का कम्प्लीमेंट। अब देखा जाए एस हमारे पास गिवन है जबकि एस का कम्प्लीमेंट नहीं है। अब आप लोगों को पहले भी पता है, बताया गया जब भी किसी चीज़ का कम्प्लीमेंट लिया जाता है तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लिया जाता है, उसका डिफरेंस ले लिया जाता है। एस का कम्प्लीमेंट वैसे के वैसे आ जाएगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी और ये जी तक जा रहा है, दरमियान में क्या डिफरेंस की साइन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एस के क्या है, ए ई आई ओ यू। अब हम पढ़ के आए थे डिफरेंस में, डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस का मतलब होता है वो एलिमेंट हमने लिखने जो पहले में हो दूसरे में ना हो। अब देखा जाए यहाँ पे ए है तो वहाँ बी है, हम नहीं लिखेंगे, यहाँ बी है वहाँ तो नहीं, हम बी भी लिखेंगे, सी इधर है सी उधर तो नहीं है, डी इधर होगा लेकिन डी उधर तो नहीं होगा। अब देखे ई इधर है तो ई उधर भी हम नहीं लिखेंगे, एफ इधर है तो एफ उधर नहीं है तो हम लिखेंगे, ऐसे सोन चलता जाएगा हमारे पास जी तक जाएगा, हम सारे एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अब इसे हमें पैटर्न बता देगी, ऐसे चल रहा है चार एलिमेंट ने हमें पैटर्न पहले बता देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें प्रूव क्या करना था कि एस इंटरसेक्शन एस का कम्प्लीमेंट। अब एस के एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, दरमियान में साइन क्या है इंटरसेक्शन का, एस कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, ये वाली बी सी डी एफ जी तक जाएंगे। अब देखा जाए इनके दरमियान हमने इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है, यहाँ है उधर तो ये नहीं होगा, यहाँ है ये उधर भी नहीं होगा, क्योंकि हम अभी डिफरेंस लेकर आए थे, क्योंकि ए हमारे पास जो वावल सेट का ए आई ओ यू था वो हमने अल्फाबेट में से क्या डिफरेंस लिया था, तो बाकी और मीनिंग आ गए, इसका मतलब ये वाली चीज़ें इसमें नहीं होंगी, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम टी सेट के। तो एम टी सेट को किसे नोट किया जाता है, फाइव के साथ, हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड के। जो क्वेश्चन नंबर फाइव का फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है टी यूनियन टी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आता है, यू के इक्वल। अब इसे वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, टी यूनियन टी का कम्प्लीमेंट।
अब देखें टी हमारे पास गिवन है, टी के कम्प्लीमेंट नहीं है, हम टी के कम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। टी जिस चीज का भी कम्प्लीमेंट लेना हो आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट में, उसे क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं टी के कम्प्लीमेंट वैसे के वैसे। यू के एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये जी तक जाएंगे माइनस। टी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी। अब देखें हमने क्या लेना है, यहाँ एट ए टू जी सारे अल्फाबेट है, यहाँ सिंपल हमारे पास क्या है एक्स वाई जी। तो इसका मतलब क्या है, पहले में हो दूसरे में ना हो, ये ए बी सी एंड सो ऑन चलता जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जी लास्ट में, इसका मतलब क्या है ये डब्ल्यू तक जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, हमने इसका यूनियन लेना है टी के साथ, टी यूनियन टी का कम्प्लीमेंट। टी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी यूनियन टी कम्प्लीमेंट, क्या हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी, ए बी सी डब्ल्यू तक। अब देखें हम हमने यूनियन लेना दोनों सेट का, इकट्ठा करके लिखेंगे एलिमेंट्स को, यहाँ ए टू डब्ल्यू तक है तो एक्स वाई जी, तो ये पूरा अल्फाबेट ही बन जाएगा, ए बी सी ये जी तक आ जाएगा। अब देखो ए बी सी जी किसके एलिमेंट है हमारे पास, यू के, तो ये यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ गए, तो हमारा ये प्रूव होगा, क्योंकि हमने पकड़ना भी ये था कि टी का यूनियन लेना था टी के कम्प्लीमेंट से किसके इक्वल आना चाहिए, तो यू के, तो ये हमारा यू के इक्वल आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड के।